नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर्स हैं या फिर गूगल एडसेंस क्रिएटर्स हैं और एडसेंस अकाउंट का आप इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए गूगल एडसेंस की तरफ से कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन जो है 19 जनवरी को रात्रि में या फिर 20 जनवरी के आपके ईमेल आईडी पे आया होगा, जो कि देखिए यहाँ पे ओपन करके हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका टाइटल बना हुआ है अ न्यू वे टू मैनेज एंड व्यू योर YouTube अर्निंग। इस तरीके से ये नोटिफिकेशन जो है सभी Google AdSense क्रिएटर्स के पास सेंड किया गया है। और एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि जब जब AdSense की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जो है AdSense क्रिएटर्स के पास सेंड किया जाता है, उस स्थिति में वो AdSense क्रिएटर्स जो है परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर AdSense की तरफ से कौन सा वहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड किया गया है। अ न्यू वे टू मैनेज एंड व्यू योर यूट्यूब अर्निंग आखिर क्रिएटर्स के पास क्यों सेंड किया गया है और साथ ही साथ इसका मतलब क्या है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ किसी भी क्रिएटर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज क्यों सेंड किया गया है? अगर आप अपने एडसेंस अकाउंट का इस्तेमाल जो है यूट्यूब चैनल और उसके अलावा आप किसी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन या फिर ब्लॉगर के लिए करते हैं, तो वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही यूट्यूब चैनल है और उसी यूट्यूब चैनल से आप अर्निंग करते हैं, तो फिर ये नोटिफिकेशन आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आप कई सारा चैनल को जोड़कर एक एडसेंस अकाउंट से अर्निंग करते हैं, तो आपके लिए ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। नोटिफिकेशन जब आप टोटल यहाँ पे पढ़ेंगे, इतना सारा जो है यहाँ पे टेक्स्ट किया हुआ है, तो सारी जानकारी आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें मोटा मोटी कि ये जो नोटिफिकेशन सेंड किया गया है, इसमें गूगल एडसेंस क्रिएटर्स को यही बताना चाह रहा है कि पहले आप जानते होंगे, जैसा कि देखिए हम गूगल एडसेंस का होम पेज यहाँ पे दिखा रहे हैं, पहले का स्थिति क्या था कि जब आप अपने गूगल एडसेंस को लिंक आप यूट्यूब चैनल से करते थे या फिर वेबसाइट से करते थे या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से करते थे, यानी कि गूगल एडसेंस का अर्निंग जो है आप जितने सारे स्रोत से करते थे सभी का अर्निंग जो है एडसेंस के होम पेज पर जोड़ा जाता था, और जैसे ही $100 पूरा हो जाता था उस मंथ में आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या होने वाला है कि अब YouTube का सेक्शन यहाँ पे अलग लगने वाला है। देखिए एडसेंस का जो पेज आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे बैलेंस का जो ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक YouTube का पर्सनल सेक्शन लगने वाला है, यानी कि YouTube का अर्निंग आपका अलग होगा। और बाकी यूट्यूब के अलावा अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर कुछ भी आपके पास है और उससे अर्निंग करते हैं, तो वो सबका टोटल अर्निंग एक साइड होगा, यानी कि एडसेंस पे अर्निंग अब दो होने वाला है। एक यूट्यूब का अर्निंग पार्टिकुलर हो जाएगा और बाकी जितने सारे आपके पास साइट है उसका अर्निंग एक जगह इंक्लूड किया जाएगा। तो बस यहीं पे जो है बदलाव किया गया है। तो अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब के अलावा कोई और आपके पास प्लेटफॉर्म है, तो उसका जो अर्निंग है वो अलग हो जाएगा और उसका अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में तब ट्रांसफ़र किया जाएगा जब उस पर $100 पूरा हो जाएगा। जैसा कि पहले ही हम आपको बताए हैं कि एडसेंस पे टोटल अर्निंग $100 हो जाता था तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, लेकिन अब यूट्यूब का $100 होगा तो ट्रांसफ़र होगा। साथ ही साथ अगर आपके पास वेबसाइट है या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, तो उसका भी $100 अलग में पूरा होगा, एडसेंस पे ही सेक्शन बना दिया जाएगा, तब उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाकी इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में कोई भी जानकारी नहीं है। तो अगर आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का इस्तेमाल आप यूट्यूब के लिए भी करते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब के अलावा अगर आप अदर प्लेटफॉर्म को उस एडसेंस से लिंक किए हुए हैं, तो बस यहाँ पे बदलाव यही किया गया है कि यूट्यूब का अब पर्सनल अर्निंग जो है वो गूगल एडसेंस के होम पेज पे वहाँ पे सेक्शन इंक्लूड किया जाएगा, जहाँ पे पर्सनल यूट्यूब का अर्निंग आपको एक साथ दिया जाएगा जब $100 पूरा हो जाएगा, और साथ ही साथ उसके अलावा जितना सारा अदर प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म को आप उस एडसेंस से लिंक किए हुए हैं उसका टोटल सेक्शन अलग हो जाएगा, उस पर भी $100 पूरा हो जाएगा तभी आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अ न्यू वे टू मैनेज एंड व्यू योर जो यूट्यूब अर्निंग का ये नोटिफिकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को पार्टिकुलर एक सेक्शन दिया गया है जहाँ पे यूट्यूब का पर्सनल अपना अर्निंग एडसेंस पे अलग दिखाया जाएगा, बाकी इसके अलावा जितने सारे आपके पास अकाउंट्स होंगे उसका जो है अर्निंग वो अलग होने वाला है। इसके अलावा किसी भी क्रिएटर्स को यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको कोई सेटिंग करना है, नहीं इस नोटिफिकेशन के बारे में उतना आपको जानकारी लेना है। अगर आप सिंगल ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास एक और चीज़ यहाँ पे जानकारी हम आपको बता दें, अगर आप
एक से ज़्यादा YouTube चैनल को भी आप एक ही एडसेंस से लिंक किए हुए तभी सभी का अर्निंग आपको एक साथ मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। YouTube का सिर्फ सेक्शन अलग किया गया है, बाकी उसके अलावा अगर आप वेबसाइट से कर रहे हैं, एप्लीकेशन से कर रहे हैं, तो उसका अर्निंग जो है जब $100 पूरा होगा तभी आपको पे किया जाएगा।